करनाल केंद्री में उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। स्थानीय अनाज मंडी परिसर में आज फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई। इस बार के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, केवल झंडा फहराकर परेड की सलामी ली जाएगी। वहीं पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कोरोना को हराकर जो ठीक होकर आए हैं वह अपने अनुभव लोगों के सामने रखेंगे। फाइनल रिहर्सल के दौरान तहसीलदार दर्पण काम्बोज ने ध्वजारोहण किया तथा परेड की सलामी ली। अनाज मंडी इंद्री में संपन्न हुई फुल ड्रेस रिहर्सल के उपरांत जानकारी देते हुए तहसीलदार दर्पण काम्बोज ने बताया कि 15 अगस्त को स्थानीय परिसर अनाज मंडी इंद्री में मुख्य अतिथि ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। उन्होंने बताया कि उपमंडल प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है तथा समारोह के दौरान होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाला हर व्यक्ति, अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मुँह पर मास्क एवं सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखे। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। तैयारियाँ बहुत अच्छी तरीके हैं, जो फैनल जो है उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और जो इसमें परेड होगी, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो एपिडेमिक डिजीज को फैली है उसके कारण बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे इस बार। और इस बार प्रशंसा पत्र भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने जो कोरोना महामारी के दौरान सराहनीय कार्य किया गया है जिनके द्वारा, उनको ही सम्मानित किया जाएगा इस बार। जो कि SDM साहब ने सभी विभाग के अध्यक्षों को ये भेज दिया है कि जो भी उनके डिपार्टमेंट से जिसने भी कोरोना के तहत बहुत सराहनीय कार्य किया है उनका नाम रिकमेंड करेंगे ताकि उनकी शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो एपिडेमिक डिजीज मंडी गई, जो कोरोना में जो ग्रस्त हुए थे और उन्होंने रिकवरी करी है योद्धा को, तो उनको भी जो भी रिकवर हुए हैं उनको भी शायद थोड़ा सा समय दिया जाएगा स्टेज पे बोलने के लिए, ताकि वो अपने बारे में बताएं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और कोरोना महामारी से उन्होंने फाइट बैक करके जो रिकवर किया है वो एक सेट एग्जाम्पल है सबके लिए। पूरी जोर से रिहर्सल चल रही है, पुलिस की टुकड़ी रिहर्सल कर रही है, NCC की टुकड़ी है जो आज पूरी प्रैक्टिस कर रही है, पूरी कर रही है। इसकी बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से पूरी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। 15 अगस्त की हर साल की तरह ही ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, चारों तरफ जो भी पंडाल होगा उसके चारों तरफ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं पुलिस की टुकड़ी द्वारा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।